नमस्कार। आप सभी को गंगा पुष्कर आलू इस उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब काशी में आए हैं, इसलिए इस यात्रा में आप व्यक्तिगत रूप से मेरे भी अतिथि हैं। और जैसा हमारे यहां कहते हैं, अतिथि तो देव समान होते हैं। मैं जिम्मेदारियों के कारण भले ही आपके स्वागत के लिए वहां उपस्थित नहीं हो सका हूं, लेकिन मन से मुझे आपके बीच होने का एहसास हो रहा है। मैं इस आयोजन के लिए काशी तेलुगु समिति और संसद में मेरे साथी जीवीएल नरसिम्हा राव जी को बधाई देता हूं। काशी के घाट पर ये गंगा पुष्करालू उत्सव गंगा और गोदावरी के संगम की तरह है। ये भारत की प्राचीन सभ्यताओं, संस्कृतियां और परंपराओं के संगम का उत्सव है। आपको याद होगा, कुछ महीने पहले यहीं काशी की धरती पर काशी तमिल संगमम का आयोजन भी हुआ था। अभी कुछ ही दिन पहले मुझे सौराष्ट्र तमिल संगमम में भी शामिल होने का सौभाग्य मिला है। तब मैंने कहा था, आजादी का ये अमृत काल देश की विविधताओं का, विविध धाराओं का संगम काल है। विविधताओं के इन संगमों से राष्ट्रीयता का अमृत निकल रहा है, जो भारत को अनंत भविष्य तक ऊर्जावान रखेगा। साथियों, काशी से जुड़ा हर व्यक्ति जानता है कि काशी और काशीवासियों का तेलुगु लोगों से कितना गहरा रिश्ता है। जैसे ही काशी में कोई तेलुगु व्यक्ति आता है, कई काशीवासियों को लगता है कि उनके परिवार का ही कोई सदस्य आ गया है। काशी के लोग पीढ़ियों से आप सबका स्वागत करते आए हैं। काशी जितनी प्राचीन है, उतना ही प्राचीन ये रिश्ता भी है। काशी जितनी पवित्र है, उतनी ही पवित्र तेलुगु लोगों की काशी में आस्था है। आज भी जितने तीर्थयात्री काशी आते हैं, उनमें एक बहुत बड़ी संख्या अकेले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों की होती है। तेलुगु राज्यों ने काशी को कितने ही महान संत दिए हैं, कितने ही आचार्य और मनीषी दिए हैं। काशी के लोग और तीर्थयात्री जब बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं, तो तैलंग स्वामी के आशीर्वाद लेने उनके आश्रम भी जाते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस तो तैलंग स्वामी को साक्षात काशी का जीवंत शिव कहते थे। आप भी जानते हैं कि तैलंग स्वामी का जन्म विजयनगरम में हुआ था। जिद्दू कृष्णमूर्ति जैसी ऐसी कितनी ही महान आत्माएं हुई हैं, जिन्हें आज भी काशी में याद किया जाता है। भाइयों बहनों, जैसे काशी ने तेलुगु लोगों को अपनाया, आत्मसात किया, वैसे ही तेलुगु लोगों ने भी काशी को अपनी आत्मा से जोड़कर रखा है।
यहां तक कि पवित्र तीर्थ वेमुलावाड़ा को भी दक्षिण काशी कहकर बुलाया जाता है। आंध्र और तेलंगाना के मंदिरों में जो काला सूत्र हाथ में बांधा जाता है उसे आज भी काशीधारम कहते हैं। इसी तरह श्रीनाथ महाकवि का काशी खंडमु ग्रंथ हो, एनुगुल वीरस्वामय्या का काशी यात्रा चरित्र हो, या फिर लोकप्रिय काशी मजिली कथलू हो, काशी और काशी की महिमा तेलुगु भाषा और तेलुगु साहित्य में भी उतनी ही गहराई से रची बसी है। अगर कोई बाहरी व्यक्ति ये सब देखे तो उसके लिए विश्वास करना भी कठिन होगा कि कोई शहर इतना दूर होकर भी दिलों के इतने करीब कैसे हो सकता है। लेकिन यही भारत की वो विरासत है जिसने एक भारत श्रेष्ठ भारत के विश्वास को सदियों से जीवंत रखा है। साथियों, काशी मुक्ति और मोक्ष की नगरी भी है। एक समय था जब तेलुगु लोग हजारों किलोमीटर चलकर काशी आते थे, अपनी यात्रा में तमाम परेशानी उठाते थे। आधुनिक समय में अब वो परिस्थितियां तेजी से बदल रही है। आज एक और विश्वनाथ धाम का दिव्य वैभव है तो दूसरी ओर गंगा के घाटों की भव्यता भी है। आज एक ओर काशी की गलियां हैं तो दूसरी ओर नई सड़कों और हाईवे का नेटवर्क भी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जो लोग पहले काशी आ चुके हैं वो अब काशी में हो रहे इस बदलाव को महसूस कर रहे होंगे। एक समय था जब एयरपोर्ट से दशाश्वमेध घाट तक पहुंचने में घंटों लग जाया करते थे। आज नया हाईवे बनने से अब लोगों का बहुत समय बच रहा है। एक समय था जब काशी की सड़कें बिजली के तारों से भरी रहती थी। अब काशी में ज्यादातर जगहों पर बिजली के तार भी अंडरग्राउंड हो चुके हैं। आज काशी के अनेकों कुंड हो, मंदिरों तक आने जाने का रास्ता हो, काशी के सांस्कृतिक स्थल हो, सभी का कायाकल्प हो रहा है। अब तो गंगा जी में सीएनजी वाली नावें भी चलने लगी हैं और वो दिन भी दूर नहीं जब बनारस आने जाने वालों को रोपवे की सुविधा भी मिल जाएगी। चाहे स्वच्छता का अभियान हो, काशी के घाटों की साफ सफाई हो, बनारस के लोगों ने, वहां के युवाओं ने इसे जन आंदोलन बना दिया है। ये काशी वासियों ने अपने परिश्रम से किया है, बहुत मेहनत से किया है। इसके लिए मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से भी काशी वासियों का जितना गुणगान करूं, जितना गौरव करूं, उतना कम है। और साथियों, मैं पूरे विश्वास के साथ ये भी कहूंगा कि मेरे काशी के लोग आपकी सेवा में, आपके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुझे मेरे काशी वासियों पर पूरा भरोसा है। बाबा का आशीर्वाद, काल भैरव और मां अन्नपूर्णा के दर्शन अपने आप में अद्भुत होता है। गंगा जी में डुबकी आपकी आत्मा प्रसन्न कर देगी। इन सब के साथ ही
आपके लिए इस गर्मी में काशी की लस्सी और ठंडाई भी है, बनारस की चाट, लिट्टी चोखा और बनारसी पान, इनका स्वाद आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगे। और मैं आपसे एक और आग्रह करूंगा, जैसे एटी कोप्पा का वहां के लकड़ी के खिलौने मशहूर है, वैसे ही बनारस भी लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आए हमारे साथी अपने साथ लकड़ी के बनारसी खिलौने, बनारसी साड़ी, बनारसी मिठाई, ऐसी बहुत सारी चीजें ले जा सकते हैं। देखिएगा, ये आपके आनंद को कई गुना और बढ़ा देंगे। साथियों, हमारे पूर्वजों ने भारत की चेतना को अलग अलग केंद्रों में स्थापित किया, जिनसे मिलकर भारत माता का स्वरूप पूरा होता है। काशी में अगर बाबा विश्वनाथ है तो आंध्र में मल्लिकार्जुन है और तेलंगाना में भगवान राजराजेश्वर है। काशी में अगर विशालक्षी शक्तिपीठ है तो आंध्र में मां भ्रमरांबा है, तेलंगाना में राजराजेश्वरी है। ऐसे सारे पवित्र स्थान भारत और भारत की सांस्कृतिक पहचान के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। हमें देश की इस विविधता को इसी समग्रता से देखना है, तभी हम अपनी पूर्णता को जान पाएंगे, तभी हम अपने पूरे सामर्थ्य को जागृत कर पाएंगे। मुझे विश्वास है, गंगा पुष्करालू जैसे उत्सव राष्ट्र सेवा के इस संकल्प को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना के साथ आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपकी ये यात्रा फलदायी हो, सुविधापूर्ण हो और काशी की नई नई यादें लेकर के आपके मन मंदिर को दिव्यता से भर दें, यही प्रार्थना बाबा के चरणों में करता हूं। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।